सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7YT। और आज की जो हमारी वीडियो है ना, इसमें मैं आपको किसी एक गेम के बारे में नहीं बताने वाला हूँ। यहाँ पर मैं जो है वीडियो गेम से रिलेटेड ही होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगी और आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा वीडियो के थ्रू। इस वीडियो का हमारा टाइटल है 3 टिप्स टू चेक प्ले स्टोर गेम्स ऑफलाइन और ऑनलाइन। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे, मैं आपको 3 ऐसी टिप्स दूंगा ना जिससे कि आप पता कर पाएंगे कि प्ले स्टोर पर जो गेम है वो एक ऑफलाइन गेम है कि एक ऑनलाइन गेम है। अब ये बहुत ही अच्छी टिप्स होने वाली है, क्योंकि देखो आप लोग जानते होंगे कि मैं कितने टाइम से आप लोगों को बताते हुए आ रहा हूँ कि गेम ऑफलाइन है कि नहीं है। इस चैनल के शुरू में भी मैं आपको यही चीज़ बताता था, तो मतलब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है और अब तो मैं ऐसे देखते से गेस कर लेता हूँ कि हाँ ये गेम ऑफलाइन होगा या ये गेम ऑनलाइन होगा। तो वो कैसे कर पाता हूँ, ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं, पर मैं अपने 3 बेस्ट टिप्स बताने वाला हूँ जिसको कि मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारी वीडियो, में आपको बताता हूँ उन टिप्स के बारे में। तो मेरी पहली टिप यही रहेगी कि आप जिस भी गेम के बारे में पता करना चाहते हैं ना कि ये ऑफलाइन है कि नहीं है, तो आप उस गेम का जो है गेम प्ले यूट्यूब पर सर्च करें। जैसे सपोज डेट अगर आपको बैटल जोन गेम के बारे में जानना है तो आप लिखिए बैटल जोन एंड्रॉयड गेम प्ले। तो जब आप ये लिखेंगे ना तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेगी, पर बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स भी होते हैं जो कि अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं कि ये जो गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो मैं किन्हीं 3 यूट्यूब चैनल को आपको सामने दिखा देता हूँ। ये जो चैनल्स हैं ना, ये लोग अपनी मतलब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में मेंशन करते हैं कि हाँ गेम ऑफलाइन है कि नहीं है। तो आप एक ये भी तरीका है जिसके थ्रू आप पता कर सकते हैं कि कोई गेम ऑफलाइन है कि नहीं है। बाकी ये है कि सारे ही गेम की इन चैनल पर वीडियोस मिल जाए वो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। दूसरा तरीका तो हमारा ये है कि आप जो भी गेम है उसको ना कुछ वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि apkaward.com और mob.org, इन वेबसाइट पर जाकर सर्च करें। अगर आपका गेम ऑफलाइन होगा ना तो उस गेम को ऑफलाइन का टैग ये वेबसाइट दे देती हैं, तो आपको बहुत ईजी होता है। जैसे मान के चलिए आपको फार्मिंग सिमुलेटर 23 सर्च करना है, तो आप उसको सर्च कर लीजिए इन वेबसाइट पर। अगर यहाँ पर जो है आपका गेम होगा ना तो आपको वहाँ पर क्लिक कर देना गेम पर, आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि हाँ ये गेम ऑफलाइन है कि नहीं है। दोनों वेबसाइट के पास में ऑफलाइन टैग है, ऐसे तो काफ़ी सारी वेबसाइट्स बताती हैं, पर इन 2 वेबसाइट के पास में ना बहुत सारे गेम्स हैं, तो हो सकता है कि आपका जो गेम जिसको आप ढूंढ रहे हैं वो आपको इन वेबसाइट्स पर मिल जाए। और जो हमारी तीसरी टिप है ना, उसके लिए हमको फिर से आना पड़ेगा यूट्यूब पर, और यूट्यूब पर आकर आपको सर्च करना पड़ेगा G7 Assist। अब ये जो G7 Assist है ना, ये एक ऐसा चैनल है जो कि आपको यही चीज़ बताता है कि गेम ऑफलाइन है कि नहीं है। तो आपको यहाँ पर डेली वीडियोस भी देखने को मिलती है। अब ज़्यादा हो गया सेल्फ प्रमोशन यहाँ पर, ये मेरा ही 2nd चैनल है। अब मैं जो है पहले आपको कहा था कि इस चैनल पर ऑफलाइन या ऑनलाइन वाली वीडियोस ही बनाता था, वो तो अब तो इस चैनल पर नहीं बनाता हूँ, पर ये चीज़ अब मैं आपको 2nd चैनल पर प्रोवाइड कराता हूँ। तो अगर आप लोगों को किसी गेम के रिलेटेड भी डाउट है ना, अगर आपको शुरू की 2 टिप्स से उन गेम के बारे में नहीं पता चला, तो आप यहाँ पर आकर कमेंट कर देना, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी कमेंट्स का रिप्लाई दे दूँ। वहाँ पर मैं आपको कमेंट में बता दूंगा कि गेम ऑफलाइन है कि नहीं है। अदरवाइज़ आप जो है यहाँ पर मेरे से वीडियो की भी डिमांड कर सकते हैं, वीडियो भी बना दूंगा मैं, कोई बात नहीं है। बाकी यही सब था, और अब तो बेस्ट गेम्स भी बताने लग गया हूँ वहाँ पर, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। बाकी वीडियो के लिए तो यही था, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।